हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हम 4G वोल्टी की ड्राइव कैसे करते हैं, 4G में डेटा ड्राइव कैसे करते हैं, CSFP कैसे करते हैं, SRVCC क्या होता है और SRVCC होता कैसे है और अटैच डिटैच कैसे होता है। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारी विंडोज़ खोली हुई हैं, यानी एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है। ये विंडोज़ कहाँ से खोली जाती है? ये सभी 4G की विंडोज़ खोली हुई है मैंने। LTE सर्विंग और नेवरिंग विंडो खोली हुई है, ये सबसे पहली। दूसरी है LTE सर्विंग सेल, ठीक। तीसरी है LTE रेडियो पैरामीटर, नीचे इवेंट विंडो है। ये ऊपर है LTE थ्रूपुट लाइन चार्ट, जो PDSCH यानी डाउनलिंक के लिए है। ये LTE थ्रूपुट लाइन चार्ट MBIT यानी MB में स्पीड आनी चाहिए। ये PUSH फिजिकल थ्रूपुट यानी अपलिंक के लिए है। नीचे मैंने एक छोटी सी विंडो खोली हुई है, ये है मैप, जिसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं। जैसे हम कैब में बैठकर ड्राइव करते हैं तो कहाँ किस किस रास्ते से जा रहे हैं और हमारी जो ड्राइव हो रही है उसका प्लॉट कैसे बनता जा रहा है, वो इस मैप पे दिखाई देता है, ठीक है। लेवल कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देख रहे होंगे आप लेफ्ट में, यहाँ पर नीचे EQ3 लिख रहा है और ऊपर EQ1 लिख रहा है, ठीक है। EQ1 जो है वो हमारा मोबाइल फोन है, जो मैंने स्टैम्प्स इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया है अभी। और नीचे जो लिख रहा है NEMA जेनरिक, ये GPS है, ठीक है। GPS लोकेशन के बारे में बताता है, जो जैसे जैसे हम चलते रहेंगे वो लोकेशन दिखाता रहेगा मैप पर कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा मोबाइल फोन जो वोल्टी मोबाइल फोन है, सैमसंग 7H, S7H, वो कब कनेक्ट होगा? जब इसके अंदर जो टेम्स एक्टिविटी स्टेटस होता है उसमें 21 एक्टिव कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे, 21 एक्टिव कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे तभी आपका ये हैंडसेट इस टेम्स इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट होगा। कैसे, देखिए पहले मैं इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन को। ऐसे आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, आपको वेट करना होगा उस टाइम के लिए। वेट कीजिए, आपके सभी पैरामीटर शो हो जाएंगे जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले फ्लाइट मोड में जाएगा। वहाँ से क्लिक करते ही, राइट क्लिक करते ही पहले फ्लाइट मोड में जाएगा, फिर उसके बाद नेटवर्क से अटैच होगा। देखिए, नेटवर्क से अटैच हो गया, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, आप सभी पैरामीटर शो हो रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन। अब यहाँ पे EQ1 लिख रहा है सैमसंग, जो मोबाइल है वो सैमसंग का है। उसके बाद में यहाँ पे ODM, ODM जो होते हैं वो 21 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर वो यहाँ पे ODM जब तक लिखा नहीं आएगा, ठीक है, उस तब तक आपका मोबाइल फोन इस किट से यानी टेम्स इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट नहीं होगा और ना ही ये पैरामीटर शो होंगे। कनेक्ट हो भी जाएगा तो ये पैरामीटर्स जो सभी दिखा रहा है, यहाँ पे कवरेज दिखा रहा है, ये सभी कुछ शो नहीं होगा। तो ये कहाँ से कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, मैं इसकी स्क्रीन दिखा देता हूँ। देखिए, आप EQ1 पे गया, राइट क्लिक करी, राइट क्लिक करते यहाँ पे शो यूवी स्क्रीन, उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, जो मेरा मोबाइल फोन लगा हुआ है उसकी स्क्रीन ऐसी है, ठीक है। स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ आ रही है वो आप देख सकते हैं। और आप देखिए, जब आपका मोबाइल फोन वोल्टी, जो आपकी सिम है वो वोल्टी इनेबल होगी, तो आपके जो नेटवर्क होंगे वहाँ पे क्या पहले लिखाएगा, वोल्टी LTE 4G, 4G के नेटवर्क आ रहे हैं या 4G आ रहा है, और क्या आ रहा है, वोल्टी LTE, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आप देखते रहिए, जब आपको 21 कंपोनेंट्स देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है। देखिए, जब आप स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, तो ऐसा एक मैसेज शो हो रहा होगा, टेम्स एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है। टेम्स एक्टिविटी स्टेटस, उसमें एक्टिव कंपोनेंट कितने हैं, 21। जब तक ये कंपोनेंट 21 नहीं होंगे यहाँ पर, आपका जो वोल्टी हैंडसेट है वो इस टेम्स इन्वेस्टिगेशन से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर ये 21 कंपोनेंट्स हो गए हैं फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका एक कोड होता है *0808#*0808#। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने स्क्रीन कैसी शो होगी, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। इस पे गया, इस तरीके से *0808# आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसमें आपको USB सेटिंग में AP रखना है,
और यूएसबी सेटिंग जो ऊपर जो यूएसबी है उसमें एपी और यूएसबी सेटिंग में क्या रखना है, आर एन डी आई एस प्लस ए सी एम प्लस डी एम प्लस ए डी बी और उसे ओके कर देना है। ठीक है, क्या करना है उसे ओके कर देना है। ठीक, उसके बाद अब आप देखिए हमारा जो लैपटॉप है उसमें नेट कनेक्ट नहीं है, जबकि हमारा जो हैंडसेट है जो इसे कनेक्ट है उसमें नेट ऑन है, फिर भी हमारे लैपटॉप के अंदर नेट नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इस पे मोबाइल पर जाइए। ठीक है, मोबाइल पे जाने के बाद आप सेटिंग में जाना होगा। ठीक, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, होम पर गए, होम पर गए। अब क्या करना होगा, हमें सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, क्लिक करा, एक बार क्लिक करने के बाद सेटिंग कहाँ है आप देख लीजिए, सेटिंग 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 ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये शो होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सर्च सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यूएसबी टीथरिंग पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, यूएसबी टीथरिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ये सी पे एक ऑप्शन, यूएसबी टीथरिंग फिर से क्लिक करना है इस पर। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप लिखा आ रहा है नीचे यूएसबी टीथरिंग और इसे इनेबल करना है। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। जैसे ही ये इनेबल होगा आपका जो लैपटॉप है उसके क्या होगा, इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं आप, राइट में सबसे नीचे आइकन पर इंटरनेट एक्सेस हो गया है। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपका जो लैपटॉप है उसमें इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। ठीक, अब मैं बताता हूँ ड्राइव कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ वोल्टी ड्राइव कैसे करनी है। वोल्टी ड्राइव करना बहुत ही सिंपल है, आपको पहले अगर लॉग फाइल स्टार्ट करनी होगी उसके बाद ही वोल्टी की कॉल लगानी है। देखिए पहले आप लेफ्ट में कॉर्नर पे यहाँ पे एक डॉट देख लोगे जो होता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन, उस पर जाइए। अब आपको लॉग फाइल जो आप ड्राइव करेंगे वो कहाँ पर सेव करनी है, उसके लिए ब्राउज पे जाइए, अपना कोई भी स्टोरेज दे दीजिए जहाँ पे भी आप उसे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे मेरे नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने वीडियोज अंकुर के नाम से, 4G ड्राइव है। ठीक है, ये लॉग फाइल जो इस नंबर की लॉग फाइल है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ। सेव का आप क्या क्लिक करना है, मुझे सेव पर क्लिक करना है, वो उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी और ओके कर देना है। ठीक है, अब जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब क्या करना है आपको, कॉल लगानी है। मैं स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा सब कुछ, सो स्क्रीन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, कॉल लगानी है। ठीक, डबल टू डबल नाइन डबल टू। ठीक है, 22992 पर कॉल लगानी है। ठीक, ये देखिए ये वोडाफोन का टेस्टिंग नंबर है। इस पर कॉल लगाने के बाद मैं इसे हटा देता हूँ, ये प्रोसेसिंग डिस्प्ले पर बहुत ही कम कर रहा है। मैंने कॉल लगा दी है। ठीक है, कॉल जैसे ही लगेगी आप यहाँ पे इवेंट में देख सकते हैं, अभी जो कॉल लगी थी इसका इवेंट दिखा देता हूँ। देखिए कॉल सेटअप और कॉल एस्टेब्लिश सब कुछ हो गया, पहले अटेम्प्ट हुई उसके बाद सेटअप हुआ फिर एस्टेब्लिश हो गया, जो मेरी है वो कॉल लगी है। अब वोल्टी कॉल चल रही है। ठीक, अब देखिए वोल्टी कॉल चलते चलते SRVCC कहाँ होगा, CSFB कहाँ होगा, ये चीज़ देखिए, जहाँ पर आपका वोल्टी का नेटवर्क नहीं है। ठीक, जहाँ पर आपका वोल्टी का कवरेज नहीं है वहाँ क्या होगा, आपकी कॉल या तो 3G में चली जाएगी या 2G में, यानी जिस भी ऑपरेटर ने सेट किया हुआ है कि मेरा एक थ्रीशोल्ड ये है कि 4G का कवरेज अगर मेरा 115 -115 से ख़राब होता है, यानी -115 से ऊपर जाता है, -116 -117 -118 से ऊपर जाता है, तो मेरी कॉल क्या होगी, 4G से 3G में चली जाएगी या 4G से 2G में चली जाएगी। जब वो मेरी कॉल बिना कटे, यानी वोल्टी से जब वो 3G या 2G में जाएगी तो कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, बिना कटे 2G में हैंड ओवर हो जाए या 3G में हैंड ओवर हो जाए। जब वो कॉल वोल्टी से 2G में हैंड ओवर होगी, ठीक है, या 3G में हैंड ओवर होगी, तो क्या होगा उस टाइम पे, उसे बोलते हैं SRVCC, जो इवेंट में शो करेगा।
अभी मैं आपको करके दिखा देता, लेकिन यहाँ पर कवरेज काफ़ी अच्छा आ रहा है जिससे मेरा इतना कवरेज खराब नहीं हो सकता। मैंने अभी चेक करके देख लिया था, अगर कवरेज मेरा ज़्यादा खराब हो जाता तो हो सकता था यहाँ पर SRBCC हो जाता। ठीक है, SRBCC का मतलब क्या होता है? सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कॉन्टिन्यूटी, यानी मेरी कॉल बिना कटे, जहाँ पर वोल्टी का कवरेज नहीं है, बिना डिस्कनेक्ट हुए, यानी जो कम्युनिकेशन मेरा किसी के साथ है वो डिस्कनेक्ट ना हो और मेरी कॉल चलती रहे वोल्टी का कवरेज ना होने पर भी, यानी वोल्टी से 2G में हैंड ओवर हो जाए, यानी SRBCC हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं SRBCC। मेरी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो और किसी लिगेसी नेटवर्क पर चली जाए 2G या 3G पर, ठीक है, उसे बोलते हैं SRBCC। ठीक, CSFP क्या है? CSFP जब हम अपने हैंडसेट से, देखिए मैं अभी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये वोल्टी के लिए बताया था मैंने, वोल्टी क्या होता है और SRBCC क्या होता है। ठीक, SRBCC क्या होता है, अब मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट करूँगा इवेंट देखे कॉल एंड हो गया है, इवेंट में क्या आ गया है, कॉल एंड। ठीक, कॉल मैंने क्या करा, डिस्कनेक्ट कर दिया। इस लॉग फाइल को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये जो मेरी लॉग फाइल चल रही थी मैं ड्राइव कर रहा था, वो मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद अब मैं बताता हूँ CSFP कैसे होते हैं। CSFP तब होगा जब मैं वोल्टी अपने इस मोबाइल से डिसेबल कर दूंगा। जब तक मेरा वो इस हैंडसेट के अंदर वोल्टी इनेबल रहेगा, यानी वोल्टी शो करता रहेगा, मेरा CSFP नहीं होगा। CSFP कब होगा? जब मेरा 4G से 3G में जाएगा, यानी वोल्टी डिसेबल होने के बाद। ठीक है, अगर वोल्टी से है 2G में जा रहा है या 3G में जा रहा है, जब वोल्टी लैच है तो तब क्या होता है, SRBCC। ठीक, क्या होता है, SRBCC। अब मुझे क्या करना है, CSFP। CSFP कब होगा देखिए, मैंने दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करा अपने हैंडसेट पर, स्क्रीन शो करी। ठीक है, अब मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये क्लियर स्क्रीन आ जाएगी आपको, होम पर चलते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख जाएगी, ये देखिए सिंपल। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस वोल्टी को डिसेबल करना है, जो वोल्टी आप ऊपर देख रहे हैं शो हो रहा है उसे क्या करना है, डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए मैं ऐप पर क्लिक करूंगा। ठीक, ऐप पर जैसे ही क्लिक करूंगा, एक यहाँ पे एक नीचे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है टेम्स IMS सेटिंग, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ शो होगा, कुछ यहाँ पे फंक्शन शो होंगे, प्रोसेसिंग बहुत ही लेट होती है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ही एप्स पर क्लिक करना है और IMS सेटिंग पर जाना है। टेम्स IMS सेटिंग एक ऐप होगी आपके मोबाइल के अंदर, सॉफ्टवेयर होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या होगा, आपको स्क्रीन पर एक थर्ड ऑप्शन दिखा होगा जिसपे लिख रहा होगा वोल्टी, फोर्थ ऑप्शन होगा वोल्टी वीडियो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा वोल्टी, उसे क्या करना है, आपको डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप उसे डिसेबल करते हैं तो आपके हैंडसेट पर जो आ रहा होगा, ठीक है, देखिए आप दिखने लगेगा, आप शो करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, शो यू स्क्रीन, ये रहा देखिए। ठीक है, मेरी यू की स्क्रीन अब ऐसी है, वोल्टी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे देख रहे हैं आप, इस तरीके से दिखाई देगा, ये इनेबल है, आपको क्या करना है, इसे डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप डिसेबल करेंगे आपके हैंडसेट से जो ऊपर वोल्टी लिख रहा है वो चला जाएगा। देखिए प्रोसेसिंग लेट हो रही है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर इसे काट कर दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, शो यू स्क्रीन, देखिए वोल्टी जो लिख रहा था वो चला गया। ठीक है, क्योंकि ये डिसेबल हो गया तो वोल्टी अब चला गया। अब मैं CSFP आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। अब देखिए जो भी मैं कोर लगाऊंगा उससे क्या होगा। ठीक है, मैं 2299 22 पर कोर लगाऊंगा तो मेरा हैंडसेट क्या होगा, मैं एक 3G की विंडो खोल लेता हूँ यहाँ पे, WCDM में सर्विंग नेबलिंग, ये मैंने 3G की विंडो खोल ली है। ठीक है, अब मुझे क्या होगा, जैसे ही मैं कॉल लगाऊंगा मेरा हैंडसेट क्या होगा, इधर खोल लेता हूँ, मेरा हैंडसेट 4G से 3G में चला जाएगा। देखिए मैं जैसे ही कॉल लगाऊंगा,
देखिए 4G के नेटवर्क यहाँ से चले गए और कहाँ किसके शो होने लगे यहाँ पे 3G में। ठीक है, मेरा हैंडसेट क्या हुआ 4G से 3G में चला गया और क्या हो गया CSFB। यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट में क्या लिखा रहा है, CSFB हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल एस्टेब्लिश मोबाइल ओरिजिनेटिंग MO मोबाइल ओरिजिनेटिंग जो सर्किट स्विच हुआ है, यानी जिस जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करके कॉल लगाते हैं तो वो था पैकेट स्विच, और जो हम विदाउट इंटरनेट यानी विदाउट डेटा के कॉल लगाते हैं तो होता है सर्किट स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे CSFB कॉल एस्टेब्लिश, जो मेरी कॉल एस्टेब्लिश हुई है वो क्या हुई है CSFB, यानी 4G से 3G में नेटवर्क चला गया है, मेरा मोबाइल हैंडसेट चला गया। यहाँ पे देखिए LTE से WCDMA कॉल, जो कॉल लगे मेरी क्या लगी है LTE से WCDMA कॉल, तो ये क्या हो गया CSFB। ठीक है, इसे बोलते हैं CSFB, जब मेरा मोबाइल 4G से 3G में कॉलिंग टाइम पे चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं CSFB, सर्किट स्विच फॉल बैक। ठीक है, अब मैं इसे जैसे ही डिसकनेक्ट करता हूँ तो मेरा हैंडसेट क्या होगा वापिस 4G में चला जाएगा। देख सकते हैं आप ये मेरा हैंडसेट कहाँ पे चला गया 4G में। अब आपको सभी किसके नए पैरामीटर शो हो रहे हैं 4G के। ठीक है, CSFB की फुल फॉर्म क्या होती है, सर्किट स्विच, यानी जो 4G से 3G में सर्किट स्विच फॉल बैक, यानी वापिस 4G में चला जाना। फॉल बैक यानी बैक का मतलब वापिस होता है, फॉल यानी 4G में चला जाना, फॉल बैक सर्किट स्विच फॉल बैक, जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट करी वो 4G में चला गया। ठीक है, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ सीख ली, वोल्टी कॉल कैसे करते हैं, SRVCC क्या होता है, CSFB क्या होता है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, 3G की विंडो को हटा देता हूँ, कि आप इसमें डेटा ड्राइव कैसे करते हैं। देखिए अभी आपका जो हेडसेट है वो FDD से कनेक्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं आप FDD यहाँ पे लिखा रहा है। ठीक है, FDD लिखा रहा है, तो FDD की डेटा ड्राइव क्या करनी है, FDD का ARFCN देखिए यहाँ पे, ARFCN ना 1375 ARFCN है FDD का। ठीक, और हमारा नेटवर्क क्या है LTE 4G। अब हमें डेटा ड्राइव करनी है, तो डेटा ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग फाइल स्टार्ट कीजिए, लॉग फाइल स्टार्ट कर दी। लॉग फाइल स्टार्ट करने के बाद आप अपना कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिए, ब्राउजर ओपन के करने के बाद आपको अपलोडिंग पे कुछ लगाना है तो मेल ओपन कीजिए, मेल में कंपोज पे जाइए, कंपोज पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ कुछ पड़ा हो तो, मेरे ये एक वीडियो है डाउनलोड में पड़ी है, मैंने क्या किया इसे अपलोडिंग पर लगा दिया है, मेल पर, मेल जो है मेरा उस पर अपलोडिंग पे लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग पे लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यूट्यूब की वीडियो यहाँ से खोली। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो खोलने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब लिखा हुआ है, इससे पहले www. के बाद SSS लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वेट करना है, जैसे ही आप कुछ टाइम वेट करेंगे आपकी एक स्क्रीन पर डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे लिंक आ जाएगा, जो भी वीडियो आप डाउनलोड करें, ये देखिए डाउनलोड लिखा आ गया। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, अब आप अपनी टेम्स की विंडो पर चले जाइए, वापिस टेम्स की विंडो पर जाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलिंग की ये विंडो थी डाउनलोडिंग के लिए, नीचे थी अपलोडिंग के लिए, PDS ये जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे स्पीड आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लॉग फाइल स्टार्ट करके रखनी है आपको, PDSCH में आप चेक कर सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड क्या आ रही है, 1 3 4 7 5 9, और अपलोडिंग स्पीड आप नीचे देख सकते हैं PUSCH फिजिकल थ्रूपुट, देखिए 1 3 0 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है वो स्पीड। इस तरीके से आप डेटा की भी ड्राइव कर सकते हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की। ठीक, अब देखिए विंडोज़ कहाँ से खुलेगी कैसे खुलेगी, ये मैंने टेम्स इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग पार्ट फर्स्ट में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें कि ये विंडोज़ कहाँ से हम कैसे कैसे खोलते हैं। तो ये हो गई डेटा की ड्राइव। ठीक है, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर देता हूँ, ये किस में थी, FDD में। ठीक है, FDD में अब मैं इसे रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, TDD में डेटा ड्राइव करनी है। ठीक है, कि अभी तो आपका मोबाइल फ़ोन किससे लैच है, FDD से, अब TDD में करना है। पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन को वोल्टी से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये 4G से कनेक्ट है, देखिए स्क्रीन देख लीजिए, यानी FDD से कनेक्ट है, यहाँ पे वोल्टी लिखा नहीं आ रहा है। तो वोल्टी के लिए मैंने क्या बताया था,
आपको अपने ऐप्स में जाना है और आईएमएस सेटिंग जो होता है, टेम्स आईएमएस सेटिंग का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है मोबाइल के अंदर, जो टेस्टिंग मोबाइल होगा उस पर क्लिक करना है। ठीक, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन जो आएगा उस पर लिख रहा होगा वॉल्टी। ठीक है, क्या लिख रहा होगा ये देखिए, लिखा गया है, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ हैंडसेट की। देखिए इस तरीके की स्क्रीन है। अब आपको इस पे जाना है, आईएमएस सर्विस स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पे वोल्टी लिखा दिखाई देगा, वोल्टी जहाँ पे लिखा हुआ है इसे इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप इनेबल करते हैं आपके हैंडसेट पर ऊपर यहाँ पे वोल्टी लिखा आ जाएगा। ये प्रोसेसिंग स्लो होने की वजह से शो नहीं कर रहा है। मैं दोबारा से स्क्रीन दिखा देता हूँ मोबाइल की, उसे कैंसिल कीजिए, शो यू स्क्रीन कीजिए। अब आप देख सकते हैं वोल्टी लिखा आ रहा है। ठीक है, अब आपका फोन अभी भी यहाँ पे किस में है, एफडीडी में। ठीक, अगर आप चाहें तो हैंडसेट को दोबारा से रिस्टार्ट करके टीडीडी में लैच कर सकते हैं, यानी आपको क्या करना होगा उसके लिए, फिर डिस्कनेक्ट करनी होगी। फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको अपना हैंडसेट रिस्टार्ट करना होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग जो मोबाइल लगा हो उस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल पे एक बार यहाँ पे जो एरो होता है उस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी। ठीक, उससे ऊपर कुछ ऊपर लिखा होगा बैंड लो। ठीक है, क्या लिख रहा होगा बैंड लो, इस पर एक बार क्लिक करना है। फिर राइट क्लिक करना है, बैंड लॉक पे आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाएंगे, बैंड 41। ठीक है, बैंड 41 जो TDD के लिए है, बैंड 41 किसके लिए, TDD के लिए, उस पर क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका जो हैंडसेट होगा वो TDD में चला जाएगा। देखिए चला गया है। जब आपका हैंडसेट TDD में चला जाए तो आप इससे बैंड लॉक जो आपने किया है इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, आपको बैंड लॉक करके ड्राइव नहीं करनी है, क्योंकि आपको ये भी देखना है आपका TDD कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, कहाँ का पर आपका TDD का कवरेज नहीं है। अगर ये चेक करना है तो आपको ये बैंड लॉक कैंसिल करना होगा। ठीक है, कैंसिल कर भी देंगे तो आपका हैंडसेट जो होगा वो TDD में ही रहेगा, TDD में लो हो जाएगा, यानी आप उसे बैंड लॉक हटा भी देंगे तो आपका हैंडसेट किसमें होगा, TDD में ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉक फाइल स्टार्ट कर देनी है। लॉक फाइल स्टार्ट करने के बाद आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पे कुछ चीज़ें लगा देनी है। जैसे देखिए ये मैं अपलोडिंग पे डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ एक वीडियो, यूट्यूब की एक वीडियो है। ठीक है, अभी मैंने बताया था डाउनलोड कैसे करते हैं, www. के बाद यहाँ पे क्या करना है, डबल एस लिख कर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने लिंक होगा जो डाउनलोडिंग के लिए आएगा, पे डाउनलोडिंग लिख रहा होगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो आपकी वीडियो डाउनलोडिंग पर लग जाएगी। ऐसे ही अपलोडिंग के लिए मैंने बताया था, मेल पर सिर्फ कुछ भी अपलोड कर दीजिए, मेल ओपन कीजिए, यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी आपके पास बड़ी सी फाइल है उसे ले लीजिए और आप उसे अपलोडिंग पे लगा दीजिए। ठीक है, अपलोडिंग पे क्या करना है आपको, उसे लगा देना है। तो आप अपनी टेम्स की विंडो पर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं TDD में डाउनलोडिंग कितनी आ रही है, 14, 12, 7, 16, अपलोडिंग कितनी आ रही है, 1, 2। अपलोडिंग कम आती है और डाउनलोडिंग की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप इनके जो लेवल हैं, RSRP क्या है, RSRQ क्या है, SINR क्या है और CQI क्या है। CQI आपको पता होगा 10 से ऊपर, 10 से 15 के बीच जितनी होगी अगर आती है तो काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, ERFCN है यानी 41 140 TDD के लिए ERFCN होता है। सेल आईडी आ रही है जिसे हम PCI बोलते हैं। ठीक है, PCI बोलते हैं वही चीज़ है, यानी बैंड भी देख सकते हैं, 20 MHz, 100 रिसोर्स ब्लॉक्स है। ठीक, इस तरीके से आप TDD की भी ड्राइव कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आज से आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया है, SRVCC क्या होता है, वोल्टी ड्राइव कैसे करते हैं, CSFB कैसे करते हैं, FDD की डेटा ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ठीक, और TDD की डेटा ड्राइव कैसे करते हैं। अब मैं आप तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सभी कुछ समझ में आया हो,
प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।